हमारे घरों में हमारी औलाद को हम पूरी चीजें दे रहे हैं, टीवी हमारे पास, लैपटॉप हमारे पास, वीडियो हम जो फोन हमारे पास, स्मार्टफोन हमारे पास, एंड्रॉयड टीवी हमारे पास, सारी सारी चीजें सहूलतें घर में, वाईफाई हमारे पास, इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास, स्टार कनेक्शन हमारे पास। बच्चे की मां को बिठा के पूछ रहे, अम्मा जान जरा एक सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ बेटे आप। नहीं, हमारे अब्बा ने सिखाया मेरे को। अब माँ को खुद सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता, माँ को खुद कुरान पढ़ना नहीं आता, तो वो माँ अपने बच्चे को क्या दीन की तालीम सिखाएगी मेरे भाई। बर्बाद हो रहा है मुआशरा पूरा। आप समझ रहे हैं क्या इंजीनियर बनने से दुनिया कामयाब हो जाएगी? अगर ऐसा होता तो आज अमेरिका कामयाब रहता था। अगर ऐसा होता कि डॉक्टर्स बनने से, साइंटिस्ट बनने से दुनिया कामयाबी की तरफ जाती तो आज इंग्लैंड कामयाबी के दहने पर खड़ा होता था। खुदा की कसम, दुनियावी तालीम जरूरत के तहत हासिल करो, मगर इल्म की तालीम रिजाए इलाही और रिजाए नबी के लिए हासिल करो। ये जरूरत के तहत नहीं, ये तो सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, जकात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, खुदा की कसम वैसे ही अपने आप को दीनी तालीम से आरास्ता करना और अपनी औलाद को हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाना फर्ज है। फर्ज है मेरे भाई। हम लोग समझे ही नहीं दीन की बातों को, और हम दीन के इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर। तीन तलाक का मसला चल रहा, किसी साहब को पकड़ के पूछे क्या है रे भैया ट्रिपल तलाक, बोले तो मैं कभी दिया नहीं, मेरे को मालूम नहीं। शरीयत के इतने मसले से वाकिफ नहीं है साहब, जबकि पार्लियामेंट में खड़े होकर गैर मुस्लिम औरत लड़ रही है मुसलमान के हुकूक के लिए। टीवियों के ऊपर और जो है फेसबुक पे आप देखते हैं हिंदू औरतें, हिंदू लड़कियां, हिंदू लड़के इस मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तलाक क्या चीज है, ये ट्रिपल तलाक क्या चीज है, ये एक वक्त में तलाक देना क्या है, एक वक्त में तीन मरतबा तलाक बोलोगे तो तलाक होगी नहीं होगी, मुसलमानों में क्या क्या डिफरेंसेस है, इमाम हनफी का क्या मसला है, इमाम शाफी का क्या मसला है। खुदा की कसम इस मसले पर आज गैर मुस्लिम गुफ्तगू कर रहा है, काफिर गुफ्तगू कर रहा है, मगर ये इतने मुसलमान बैठे हैं, शर्म करे। किसी मुसलमान को भी तलाक का मसला मालूम नहीं है कि हमारी शरीयत में तलाक है क्या चीज। कोई अगर आपको पूछ ले मुसलमान समझकर कि भाई आखिर ये नरेंद्र मोदी आप लोगों के पीछे क्यों पड़े भाई, ये तीन तलाक है क्या, आप सिवाय शर्मसार होने के दूसरा आपके पास कोई चारा नहीं है मेरे भाई। इतना मसला हमको नहीं मालूम है मेरे भाई। आज शरीयत की धज्जियां उड़ रही है मगर मुसलमान को मालूम ही नहीं उन्हें कर रहा क्या, किस बात पे गुफ्तगू हो रही है क्या, ये तलाक देते कौन, कहीं को देते, कौन देते, कब देते, कहां से देते, देना जायज है ना जायज है, सूरत क्या है, मसला क्या है, हुक्म कुरान क्या है, हुक्म हदीस क्या है, किसी को नहीं मालूम। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यह है कि मुसलमानों में जिहालत दिन भर दिन दिन भर दिन दिन भर दिन आम 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 होती चली जा रही, जबकि है मुसलमानों रसूल कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, ताकि मेरा उम्मती इल्म की तरफ आए, उम्मती को इल्म की तरफ लाने के लिए, आलिम बनाने के लिए, उम्मती को हाफिज़े कुरान बनाने के लिए मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के आलिम से हाथ मिलाना मुसाफा करना, मेरी उम्मत के आलिम से हाथ मिलाना मुसाफा करना, गोया के बनी इसराइल के अंबिया से हाथ मिलाना मुसाफा करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।